जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। हम सब इसे जी रहे हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसके पीछे छिपे रहस्य क्या हैं? क्यों कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और क्यों कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी दिशा तय की है? कभी हमने सपनों में कुछ देखा और वह हकीकत में बदल गया। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर हमारे जीवन की कहानी पहले से लिखी हुई है? आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन पर जिंदगी टिकी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस जीवन में कुछ तो और है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां सवाल तो बहुत हैं पर जवाब शायद कुछ और ही होंगे। नंबर वन, अंतर्ध्यान शक्ति। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप अचानक गायब हो जाएं, जैसे कि आप इस दुनिया में ही ना हो? यह सुनने में बिल्कुल काल्पनिक लगता है, परंतु प्राचीन यौगिक शास्त्र और ध्यान की विधाओं में इसे अंतर्ध्यान शक्ति कहा गया है। योग के अनुसार अंतर्ध्यान शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसे साधक, योगी गहन अभ्यास और संयम के जरिए प्राप्त कर सकता है। विज्ञान आज इस दिशा में छोटे छोटे कदम जरूर उठा रहा है, लेकिन योग की दृष्टि से यह सदियों से संभव माना गया है। कायागत रूप पर संयम करने से, यानी शरीर और मन को पूरी तरह काबू में करके, योगी अदृश्य हो सकता है। यह न सिर्फ उसकी उपस्थिति को छुपा देता है, बल्कि उसके शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस, यानी उसकी हर अनुभूति को भी समाप्त कर देता है। संयम का अर्थ होता है पूर्ण नियंत्रण अपनी इच्छाओं, विचारों और शक्तियों पर। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में जाता है, वह इस धारणा को मजबूत करता है कि वह दूसरों की नजरों से अदृश्य हो रहा है। अगर यह धारणा, इमेजिनेशन, लगातार की जाती है कि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो यह यौगिक सिद्ध धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगती है। शिव भगवान कहते हैं, कल्पना की शक्ति असीम होती है। अगर आपकी कल्पना, इमेजिनेशन में शक्ति और विश्वास है, तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। कल्पना यह भी की जा सकती है कि आपका शरीर पारदर्शी कांच की तरह हो गया है, या किसी सूक्ष्म शरीर ने आपको ढक लिया है। यह सिर्फ एक धारणा का खेल है, पर यदि इसे सही तरीके से साधा जाए तो यह शक्ति आपके नियंत्रण में आ सकती है। क्या यह सच में संभव है? क्या कोई इंसान अदृश्य हो सकता है? क्या यह सिर्फ कल्पना की शक्ति है या इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है? नंबर टू, आकाश में गमन। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान उड़ भी सकता है? यह सिर्फ किसी फैंटेसी या सपनों की बात नहीं, बल्कि प्राचीन यौगिक परंपराओं में उड़ने की शक्ति का वर्णन मिलता है। योग कहता है कि अगर आप सही तरीके से साधना, प्रैक्टिस करें, तो आकाश में गमन यानी उड़ने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? योग के अनुसार अगर कोई साधक लगातार 3 महीने तक ध्यान में लगे रहे और शरीर व आकाश के बीच संबंध पर संयम, कंट्रोल स्थापित कर ले, तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। ऐसा हल्का जैसे कि रुई का पाहा, कॉटन, और वह आकाश में उड़ने की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति को हासिल करने के लिए केवल ध्यान नहीं, बल्कि पूरे जीवन में संयमित जीवन शैली को अपनाना पड़ता है। यम और नियम का पालन इस प्रक्रिया का आधार है। इसका मतलब यह है कि न सिर्फ आपके विचार, थॉट्स, बल्कि आपके भोजन, वार्तालाप और भावनाओं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। जब आप इन सब पर संयम स्थापित कर लेते हैं, तब आप धीरे धीरे इस शक्ति को महसूस करने लगते हैं। साधकों का कहना है कि यह शक्ति ध्यान की गहराई में जाकर प्राप्त की जा सकती है, जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जीवन की उन गहरी और रहस्यमयी शक्तियों में से एक है जो केवल गहन अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो क्या इंसान वाकई उड़ सकता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई वास्तविक विज्ञान है? क्या उड़ने की शक्ति को सच में हासिल किया जा सकता है, या यह केवल यौगिक साधना की एक रहस्यमयी गाथा है? नंबर थ्री, सम्मोहन विद्या। क्या आप जानना चाहते हैं कि सम्मोहन विद्या यानी हिप्नोटिज्म क्या है और इसके पीछे के गहरे रहस्यों को कैसे समझा जा सकता है? भारत की प्राचीनतम और महानतम विद्याओं में से एक है सम्मोहन।
जिसे कभी प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था। यह विद्या सिर्फ वशीकरण या मन को काबू करने की तकनीक नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गूढ़ है। सम्मोहन का सीधा अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति का चेतन मन धीरे धीरे तंद्रा ट्रांस में चला जाता है और उसका अर्ध चेतन मन उस स्थिति में प्रवेश करता है जिसे सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह साधारण नींद नहीं होती, बल्कि एक गहन मानसिक अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने अचेतन मन के साथ जुड़ता है। यह विधा न केवल मानसिक चिकित्सा के लिए उपयोगी है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में भी सहायक है। ये विद्या कोई नई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इसका उपयोग होता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस सम्मोहन विद्या की मदद से जापानी सेनाओं की स्थिति का पता लगाया गया था। आधुनिक विज्ञान ने इस विद्या को और विस्तार दिया है। रशिया, जर्मनी और अमेरिका में इस पर कई वर्षों तक गहन रिसर्च किए गए हैं। हालांकि सम्मोहन को आधुनिक रूप से 18वीं शताब्दी में प्रचलन में लाया गया, जब ऑस्ट्रिया के फ्रांस मैसम ने इसे मेस्मरिज्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। बाद में 19वीं शताब्दी में डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने इसे हिप्नोटिज्म नाम दिया। लेकिन यह सिर्फ एक विज्ञान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी विद्या है। ये विद्या व्यक्ति के अचेतन मन को जागृत कर उसे गहरे रहस्यों से अवगत कराती है। तो क्या सम्मोहन सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है, या इसमें छिपा है कोई रहस्य? क्या इसे सही तरीके से समझने और अभ्यास करने से हम अपने अचेतन मन की गहराइयों को जान सकते हैं? नंबर 4, परा और अपरा विद्या। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ऐसी विद्याओं का उल्लेख है जो लौकिक और पारलौकिक रहस्यों को समझने की शक्ति देती है? इन विद्याओं को परा और अपरा विद्या कहा गया है। ये सिर्फ साधारण ज्ञान या तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो संसार के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। परा विद्या वो ज्ञान है जो हमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। इसे हम आध्यात्मिक विद्या भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति को उसके भीतर छिपी शक्तियों का अनुभव कराती है। इसके विपरीत अपरा विद्या भौतिक या लौकिक दुनिया से जुड़ी है, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। आपने उन संतों या जादूगरों के बारे में सुना होगा जो भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का वर्णन कर देते हैं। इनकी रहस्यमयी शक्तियों के पीछे कहीं ना कहीं परा और अपरा विद्याओं का ही हाथ होता है। वे इन्हीं विद्याओं के बल पर न केवल जादू और टोना कर पाते हैं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से संपर्क साधने की कला भी जानते हैं। क्या यह महज एक कल्पना है, या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा सच? हिंदू शास्त्रों में इन विद्याओं का जिक्र सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उस अलौकिक शक्ति को समझने के लिए भी है जो मनुष्य को सीमाओं से परे ले जाती है। चाहे वह तांत्रिक हो या कोई साधक, इन विद्याओं को जानने वाला व्यक्ति अदृश्य शक्तियों के रहस्य को समझने लगता है और साधारण इंसानों से अलग होता है। तो क्या परा और अपरा विद्या की शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान को जानना संभव है? और क्या हम भी इन विद्याओं के माध्यम से अपने जीवन के अनदेखे पहलुओं को उजागर कर सकते हैं? नंबर 5, महाविदेह। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने चेतन मन के माध्यम से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, ये उतना ही सच भी है। महाविदेह धारणा के माध्यम से ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कुछ विशेष साधक जानते हैं। जब बंदिशों को हटा दिया जाता है और संयम से चित्त का प्रवाह नियंत्रित किया जाता है, तो व्यक्ति की चेतना एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। इस प्रक्रिया में चित्त का स्थिर होना बेहद महत्वपूर्ण है। जब चित्त स्थिर होता है, तब सूक्ष्म शरीर की अनुभूति बढ़ती है और धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान अपने स्थूल शरीर से हटने लगता है। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास करता है और उसके भीतर एक नई इच्छा जागृत होती है शरीर से बाहर निकलने की। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए साधक को संयमित और ध्यान केंद्रित रहना आवश्यक है। इस महाविदेह धारणा की शक्ति से प्रकाश का आवरण हट जाता है और यह अहंकार के बंधनों को भी तोड़ने में मदद करता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने लगता है और वास्तविकता के प्रकाश में अपने स्वरूप को पहचानने लगता है।
क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इस महाविदेह धारणा से व्यक्ति अपनी चेतना को नए आयामों तक ले जा सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो न केवल आत्मा को स्वतंत्रता देता है बल्कि उसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से भी जोड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हमने जाना कि कैसे महाविदेह धारणा के माध्यम से हम अपनी चेतना को नए आयामों तक ले जा सकते हैं। यह ज्ञान केवल आत्मा की स्वतंत्रता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनकहे रहस्यों को भी उजागर करता है। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम और भी गहरे रहस्यों की खोज करेंगे। धन्यवाद।